नमस्कार भाई दोस्तों, एक 4 पेज की चिट्ठी बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। बोल रहे हैं कि ये चिट्ठी अमृतपाल सिंह और उसके साथियों ने लिखी है डिब्रूगढ़ जेल से। उस चिट्ठी के अंदर सभी का जिक्र है, जथेदार साहब का भी है, 84 का भी है, 78 का भी जिक्र है, सभी का जिक्र उस चिट्ठी के अंदर। युवाओं के लिए संदेश भी है। ऐसा क्या है उस चिट्ठी के अंदर कि वो इतनी तेजी से वायरल भी हो रही है, और साथ के साथ जो आपको बताते हैं, साथ के साथ लोगों को कुछ जो मतलब सिखों के खिलाफ हैं उनको तकलीफ भी हो रही है उस चिट्ठी से। उनको तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है चिट्ठी से कि चिट्ठी आई कैसे। जब से जिक्र चलिया है कि अमृतपाल सिंह और उसके साथी डिब्रूगढ़ जेल से आएंगे, पंजाब आएंगे, तब से है ना, आए दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ वायरल होती जा रही है। आए दिन कोई ना कोई एक नई चीज़ वायरल हो रही है और उसको दिखाया जा रहा है कि देखो ये वो है, ये ऐसे है। उस चिट्ठी के अंदर डेट भी लिखी हुई है, डेट भी लिखी हुई है 5/7/2023, डेट लिखी हुई है, बकायदा डेट लिखी है, डिब्रूगढ़ जेल भी लिखा हुआ है, सभी के सिग्नेचर भी हैं। सबसे पहले अमृतपाल के हैं, चाचा हरदीप सिंह के हैं, सभी के सिग्नेचर भी हैं उसके अंदर, चाहे दलजीत कलसी है, सबके सिग्नेचर भी बताए जा रहे हैं कि भाई सभी ने सिग्नेचर किए हैं और बकायदा चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी के अंदर ऐसा क्या हो रखा है कि वो चिट्ठी तकलीफ दे रही है भाई? जो सत्ता में बैठे हैं लोग, जो पंजाब के ऊपर कब्जा किए बैठे हैं, उनको तकलीफ क्यों हो रही है उस चिट्ठी से? ऐसा क्या उस चिट्ठी के अंदर, आपको बताते हैं उस चिट्ठी के अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ है कि वो चिट्ठी इतनी तेजी से वायरल हो रही है। सबसे पहले तो जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक और सच की किसी को तकलीफ होती है तो होने दो भाई, गोदी मीडिया को, अंधभक्तों को तकलीफ वैसे भी रहती है हमारे से। अभी तकलीफ उनको होने लगी जो पंजाब को लूटना चाहते हैं, खसोटना चाहते हैं, जो पंजाब के हरियाणा के भाईचारे को खराब करना चाहते हैं, उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है हमारे से। इतनी तकलीफ मत करो भाई, हम किसी को कुछ नहीं कह रहे, किसी को कुछ नहीं कह रहे, हम जो सच है वो बोल रहे हैं। वो चिट्ठी के अंदर जो जिक्र है, शुरुआत जो होती है वो सबको पता है, जहाँ से शुरुआत है, जो छोड़ा था वहीं से शुरुआत होती है। लेकिन चिट्ठी में है ना, 1978 की बैसाखी तो बाद उसी सिख संघर्ष नू कुचलन लई भी दरबार साहिब पर फौजी हमले करके अते सिखा दिराजी ताकत सौवें श्री अकाल तख्त साहिब नू ढह ढेरी किया गया। चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ वो बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनते जाना। ढह ढेरी करके संघर्ष के नायक संत जी नू शहीद करके हुकूमत को भरम था कि सिखों को दबाया जा सकता है। इतिहास गवाह है, सिखों ने ऐसे हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये सच्चाई है। कभी मुगलों ने हमला किया, कभी अंग्रेजों ने किया, किसी ने भी हमला किया है, लेकिन सिखों ने ना ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुंह तोड़ जवाब तो गोदी मीडिया को भी दे रहे हैं और जो हाले की सरकार है इसको भी एक बार नहीं कई बार हिला चुके हैं सिख, कई बार हिला चुके हैं। आपको पता होगा, आपको याद नहीं आया हो तो याद दिला देते हैं, एक बार प्रधानमंत्री साहब को उनके कार्यकर्ताओं ने रोका हुआ था, उससे कुछ किलोमीटर आगे किसान बैठे हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री साहब ने वापस जाके एक फिल्म बनाई थी कि बताना तुम्हारे मुख्यमंत्री को कि मैं जिंदा लौट गया हूं। आज तक उस एयरफोर्स के ऑफिसर का नाम किसी के सामने आया हो तो बता दो जिसके सामने ये बात प्रधानमंत्री साहब ने कही थी। आया किसी के सामने? किसी के सामने नहीं आया है। तो ऐसे ही होता है, वो अमृतपाल सिंह और उसके साथी आएंगे तब आएंगे, कानूनी प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। लेकिन जो चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ है वो तकलीफ क्यों दे रहा है, तकलीफ क्यों दे रहा है? उसके अंदर बात करते हैं जथेदार साहब की, जथेदार साहब के लिए क्या लिखा हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। जो जथेदार साहब के लिए लिखा है, सिग्नेचर है बकायदा भाई, वो चिट्ठी जो है डाल देंगे ऊपर, उसके ऊपर लिखा दे डाल देंगे, आप पढ़ लेना उसको, आराम से पढ़ लेना, आपकी समझ में आ जाएगा उसके अंदर और क्या क्या लिखा हुआ है। रिहाई की खबर के बाद अमृतपाल सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है, सबका जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के नाम भी लिखा हुआ है, उनको चिट्ठी में किया ज्ञानी हरप्रीत सिंह का कोटा अनकोट धन्यवाद और कई बोची गुप्त बातें जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। उन्होंने बताया जो ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने उनके लिए आवाज़ उठाई थी, सहयोग किया था, वकीलों से बात की थी, जिसका खामियाजा उनको ना अपना पद से हाथ धो के भुगतना पड़ा था, क्योंकि बादल परिवार नहीं चाहता था, बादल परिवार नहीं चाहता था कि वो बाहर आए। समय की जो सरकार है, चाहे वो आपके भगवंत मान है या कोई भी, वो भी नहीं चाहते कि बाहर आए वो लोग जितने भी सिंह हैं। लेकिन संघर्षों को दबाया नहीं जाता कभी भी, और ना ही आप दबा सकते, ये याद रखना। उसके अंदर निजर का, खंडा भाई का, सभी का जिक्र है जो शहीद हुए हैं, उनके लिए भी बोला गया है कि कोमल को शहीद मानिए, उनके लिए भी लिखा गया है। और विशेष बात जो लिखी गई है युवाओं के लिए, युवाओं के लिए भी लिखा गया उसके अंदर, आप पढ़ सकते हो उस चिट्ठी को।
उसके अंदर युवाओं के लिए भी एक मैसेज लिखा हुआ है। मैसेज में जो लिखा है उसके बाद बताते हैं जो समय की सरकार के लिए लिखा गया ना, वो भी जरूर सुनना चाहिए आपको। युवाओं के लिए मैसेज लिखा गया है कि आप नशे से दूर होइए, जो आप नशा करें नशे से दूर हो जाओ, जितने भी युवा हैं नशे से दूर होके गुरु के नजदीक लगो, अमृत छको, त्यार भर त्यार रहो, त्यार भर त्यार रहो। आपको एक चीज मैं बार बार बताता आया था, सोशल मीडिया के जरिए भी बताई, वैसे फोन आते तब भी बताते हैं कि पंजाब के ऊपर बहुत बुरी नजर है, बहुत बुरे तरीके से नजर है, और जिस बनिया को आपने सत्ता की चाबी दी है ना, वो पंजाब को इतना खोखला कर देगा कि जैसे है ना जापान के अंदर हिरोशिमा नागासाकी बम गिराया गया था, कई साल तक बच्चे अपंग पैदा होते रहे थे, उससे भी बुरा हाल होने वाला है पंजाब का, उससे भी बुरा, जिस बनिया को आपने सत्ता की चाबी दी है। क्योंकि आप कहोगे कि नहीं मुख्यमंत्री तो हमारा है, तो मुख्यमंत्री आपका नहीं, एक मुख्यमंत्री रोबोट बैठा हुआ है, वो रोबोट है, वहां से दिल्ली से जो चाबी भरी जाती है ना बस वही शब्द बोलता, उससे आगे कोई भी शब्द नहीं बोलता, कोई शब्द नहीं बोलता। समय की जो सरकार है ना वो आपको बर्बाद करने वाली है। और हाँ, 2024 का चुनाव भी आने वाला है, 2024 का चुनाव भी आ रहा है, उस चुनाव में भी बहुत बड़ा गेम खेला जाएगा, बहुत बड़ा गेम। आप देखना जैसे ही अमृतपाल और उसके साथी बाहर आएंगे, हो सकता है उनको ये दिखाया जाए कि देखो बीजेपी सरकार ने मदद की है, इन्होंने कांग्रेस ने मदद की है, या फलाने ने मदद की है, ये भी हो सकता है आपको दिखाया जाए। किसी सरकार ने कोई मदद नहीं की है, ना कोई आम आदमी ने, ना कांग्रेस ने, ना बीजेपी ने, किसी ने मदद नहीं की है, किसी ने भी मदद नहीं की है। वो लड़ाई जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वारिस पंजाब जथेबंदी के वकील हैं या और भी बहुत से वकील हैं, लड़ाई वो लड़ रहे हैं, कोई सरकार लड़ाई नहीं लड़ रही उनके लिए। सरकार तो ये चाहती कि वो अंदर ही रहें, बाहर आए ही ना, सरकारों का ये मनसूबा है। क्या अभी तक भगवंत मान साहब आपने लिख के दिया है कि नशे हटाया जाए युवाओं के ऊपर से? नहीं लिख के दिया ना, आप लिख के दोगे भी नहीं। हाँ, दिल्ली से जिस दिन आदेश आएगा उसी दिन लिख के दे देंगे, एकदम से लिख के दे देंगे, एकदम से अचानक से लिख के दे देंगे, ये लो दिल्ली से आदेश आ गया, लिख के दे दिया इनके ऊपर से नशे हटाया जाए। ये है चाल, इस चाल को ना थोड़ा शांति से समझो, शांति से। कोई भी बैठ के सोशल मीडिया पे वीडियो बनाता है, कभी मोहल्ली मोर्चे को टारगेट करता है, कभी पंजाब को टारगेट करता है, कभी जत्थेबंदियों को टारगेट करता है, कभी किसानों को टारगेट करता है, कभी किसी को टारगेट करता है। टारगेट करना एक अलग बात है और सच्चाई बोलना एक अलग बात है। हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, ना किसी सरकार को टारगेट कर रहे। सरकार को क्यों टारगेट करेंगे भाई, हम सरकार को चुना किसने? आम लोगों ने चुना है ना, आम लोगों ने चुना है। कोई ये तो है नहीं कि भगवंत मान जबरदस्ती आके मुख्यमंत्री के पद के ऊपर बैठ गया। आपने चुना है तो आप भुगतोगे, भुगतो इसको, भुगतो। क्या टीचर, क्या किसान, क्या युवा, सबको ऐसा बिठा दिया, कोई थोड़ी सी आवाज उठाए उसी के ऊपर लगाओ एनएसए, भेज दो डिब्रूगढ़, लगाओ केस, डाल दो जेल के अंदर। नहीं हो रहा क्या पंजाब के अंदर? ये पंजाब के अंदर चल रहा है। पंजाब में कोई पत्रकार भी आवाज उठाता है तो उसकी दिल्ली पेशी लगती है। आपको नहीं पता तो पिछले कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी ना, दिल्ली पेशी लगती है उसकी। तो दिल्ली से चल रहा है सब कुछ। वो कोई आप अगर सोच रहे हो कि आपका मुख्यमंत्री बैठा हुआ, नहीं बैठा हुआ है। और हाँ, अपनी राय जरूर देना, जो चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ ना, जो युवाओं के लिए, विशेष तौर पर युवाओं के लिए जो संदेश है, उसके लिए अपनी राय देना। त्यार भर त्यार रहो भाई, अमृत छको, गुरु के नजदीक लगो, गुरु के सिंह बनो, नशे के अंदर मत डूबो। नशा आपको बर्बाद कर देगा, आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। इस नशे की दुकानों को बंद करवा दो बस, पंजाब वैसे ही खुशहाल रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।